हेलो गाइस, मेरा नाम है फैज़ल खान और जियो खान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली का कैप्सूल आज का। देखो, मैं आपको इन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में एक बात पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको तभी हेल्प करेंगे जब आप इनके फैक्ट्स हैं वो रेगुलरली लिख रहे हों, अपने नोट्स बना रहे हों, प्रॉपरली नोट्स बना रहे हों। अगर कोई भी स्टूडेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैप्सूल से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसने लिखे होंगे, उसको पता है कि ये कितनी जेन्युइन हेल्प कर सकता है। सो इसको सिंसियरली आप करते रहिए, आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में हेल्प इससे मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रेगुलर वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे पैलेंटोलॉजी की वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ हमने कंप्लीट करी है और उसके अंदर जैसे कुछ टॉपिक, 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको अपन फटाफट करेंगे आने वाले टाइम में। और उसके बाद में हम देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट, मिनरोलॉजी और जियो केमिस्ट्री दोनों स्टार्ट किए हुए थे, देखते हैं कि मिनरोलॉजी पहले करेंगे या जियो केमिस्ट्री पहले करेंगे, वो आपसे हम पूछ लेंगे। सो वो भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट ये डेली कैप्सूल तो आपके चल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए जो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें द बैक आर्क बेसिन आर कैरेक्टराइज्ड बाई, अब बैक आर्क बेसिन आपके मिलते कहाँ पे हैं और कौन कौन सी टेक्टोनिक सेटिंग में आपको बैक आर्क बेसिन मिलते हैं ये आप बताएंगे। क्या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन में आपको बैक आर्क बेसिन मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं मिल सकते हैं तो भी बताना, और अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप कहीं से पता करके बताना, ठीक है। चलिए, बैक आर्क बेसिन का जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो आपको मिलती है हॉस्ट एंड ग्रेबन टोपोग्राफी, ठीक है। हॉस्ट एंड ग्रेबन टोपोग्राफी जो है वो आपके हॉस्ट एंड ग्रेबन है, ये आपके सीरीज ऑफ नॉर्मल फॉल्टिंग से मिलते हैं, या तो इस तरह के नॉर्मल फॉल्ट हो या इस तरह के नॉर्मल फॉल्ट हो। तो यहाँ पे आपकी एक सेक लाइक बॉडी बनेगी, डिप्रेस्ड बॉडीज़ बनेंगी जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेबन, और यहाँ पे आपका माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको आप क्या बोलते हैं, हॉस्ट। तो हॉस्ट एंड ग्रेबन टोपोग्राफी है, ये आपको बैक आर्क बेसिन्स में मिलते हैं, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, गायोट्स आर। तो गायोट्स आपको सबसे पहले तो कहाँ मिलते हैं, ओशंस के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और ये सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब ये जैसे ये ओशनिक सरफेस है तो आपके जो गायोट्स होंगे वो आपके एक्सपोज्ड नहीं होंगे, ठीक है। जैसे ये ओशनिक फ्लोर है तो ओशनिक फ्लोर से लगभग 2 किलोमीटर आपकी ऊपर तक ये रहेंगे, या इससे भी ज़्यादा इनकी हाइट हो सकती है, लेकिन दे विल बी लाई बिलो द सी लेवल, तो ये आप ध्यान में रखना। तो जो गायोट्स हैं ये आपके फ्लैट टॉप्ड होते हैं, ठीक है, फ्लैट टॉप्ड, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाई इरोजन, एंड दैट इरोजन इज़ फॉलोड बाई सबमर्जन, ठीक है। तो आपके गायोट जो बनते हैं उनमें क्या होता है कि पहले इरोजन होता है और इरोजन होने के बाद में वो सबमर्ज हो जाते हैं, तभी आपको ये क्या मिलती है, फ्लैट टॉप्ड मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना है कि जो राइट ऑप्शन वो क्या होगा आपका, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स प्रोड्यूस्ड बाई इरोजन फॉलोड बाई सबमर्जन, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना गायोट्स का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है लेकिन इस तरह की फ्रेमिंग के साथ में नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ ऐसे ही पूछते हैं कि गायोट्स क्या हैं, ठीक है, और किससे रिलेटेड हैं। तो एक तो ये ध्यान में रखना है कि ये ओशन से रिलेटेड है या सी से रिलेटेड है। पहले इनका इरोजन होता है, फिर इसका सबमर्जन होता है, तब आपके गायोट्स बनते हैं, और सी माउंट्स भी बोलते हैं, तो जो पीक्ड जो टॉप होते हैं उनको आप सी माउंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द बिगिनिंग ऑफ द सबडक्शन इज मार्क्ड बाई, द बिगिनिंग ऑफ द सबडक्शन। देखिए, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। ये आपकी ओशनिक प्लेट हो सकती है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है, या फिर दोनों ओशनिक ओशनिक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट नहीं होंगे। ओशनिक ओशनिक और कॉन्टिनेंट ओशनिक ओशनिक या ओशनिक कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस जब होते हैं, जब ये प्लेट इस तरफ आ रही है, ये प्लेट इस तरफ आ रही है, तो जो डेंसर प्लेट होगी वो क्या होगी, लाई कर जाएगी बीनीथ दी अनदर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपका गैप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो क्या मार्क, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि सबडक्शन का जो सरफेसियल एक्सप्रेशन है इसको आप क्या बोलते हैं, ट्रेंच, और वी कैन से दैट द सरफेसियल एक्सप्रेशन ऑफ द सबडक्टिंग प्लेट इज़ कॉल्ड ट्रेंच, और ट्रेंच क्या बताता है, सबडक्शन के बिगनिंग को बताता है, ये ध्यान में रखना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ट्रेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं, दी ओला कोजेंस आर, तो ओला कोजेंस बेसिकली हैं क्या। देखिए, ये ट्रिपल जंक्शन से रिलेटेड है। ट्रिपल जंक्शन बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पे तीन प्लेट बाउंड्री मीट करती हैं, ठीक है। ये बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि ट्रिपल जंक्शन में बेसिकली होता क्या है कि ए पॉइंट वेयर थ्री प्लेट बाउंड्रीज आर मीटिंग एट्स ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रिपल जंक्शन।
तो ये जो ओला कोजन्स है ये फेल्ड रिपटाप्स है, मतलब तीन जो ट्रिपल तीन प्लेट्स के मिलने से जो ट्रिपल जंक्शन बन रहा है उसमें से कोई एक जो आर्म है उसकी वो फेल हो जाए, ठीक है। वो कैसे हो सकता है कि रिफ्टिंग है, तो बेसिकली ओला कोजन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे पहली बात तो रिफ्ट्स होती हैं, ठीक है, एंड दे विल रिप्रेजेंट द फ्रेगमेंट्स ऑफ ए सुपर कॉन्टिनेंट, तो ये भी ध्यान में रखना आपका। और ये जो फेल्ड आर्म्स ऑफ ट्रिपल आर ट्रिपल जंक्शन है, ट्रिपल आर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, रिज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान में रखना। तो ये ट्रिपल जंक्शन में जो ट्रिपल आर जो कन्फिग्रेशन है उसके फेल्ड आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओला कोजन्स आर द रिफ्ट्स, दे रिप्रेजेंट द फ्रेगमेंट्स ऑफ ए सुपर कॉन्टिनेंट एंड दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द फेल्ड आर्म्स ऑफ ए ट्रिपल आर ट्रिपल जंक्शन, तो ये आप ध्यान में रखना। तो इसके लिए तीनों ऑप्शन है जो करेक्ट हैं, तो ये डी ऑप्शन है ये आपका स्ट्रक ऑफ हो जाएगा, आपके ए बी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं आज के कैप्सूल का लास्ट। द सबमेराइन प्लेट्यूज आर, सबमेराइन प्लेट्यूज आर, तो इसमें ये ध्यान में रखना कि जैसे आपने ना अभी गाइड्स डिस्कस किया तो गाइड्स आपके स्मॉल स्केल पे होते हैं, लेकिन जो सबमेराइन प्लेट्यूज होते हैं वो लार्ज स्केल पे होते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि दीज आर दी फ्लैट टॉप प्लेट्यूज ऑन द सी फ्लोर, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दे टिपिकली राइज 2 किलोमीटर और मोर अबाव द सी फ्लोर, जैसे ये आपकी सी वाटर सरफेस है और ये आपका सी बॉटम है, ठीक है, ये आपका बॉटम है ये वाला, तो यहाँ से ये क्या करेंगे, फ्लैट टॉप्ड होते हैं प्लेट्यूज और ये कितने किलोमीटर तक जाते हैं, 2 किलोमीटर और ग्रेटर देन दैट। और ये बेसिकली हैं क्या, दीज आर दी एरिया ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ मैफिक इग्नियस रॉक्स ऑन दी अर्थ सरफेस, ये एक करेक्टरिस्टिक पॉइंट है, इसका आप ध्यान में रखेंगे कि जो सबमेराइन प्लेट्यूज हैं यहाँ पे वॉल्यूम वाइज मैफिक इग्नियस रॉक्स हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे अर्थ सरफेस के ऊपर। अब मैफिक रॉक्स होती कौन सी है, मैफिक इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, दोज रॉक्स विच कंप्राइजेज द मिनरल्स विच कंटेंस आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब रॉक्स आपकी क्या होती है, एग्रीगेट ऑफ द मिनरल्स, एंड दोज मिनरल्स विच आर कंटेनिंग आयरन एंड मैग्नीशियम विल बी टर्म्ड एज मैफिक मिनरल्स, एंड द रॉक विच मेड अप ऑफ दीज मैफिक मिनरल्स इज कॉल्ड मैफिक इग्निस रॉक्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। अब मैफिक मिनरल्स कौन कौन से हैं आपके, फेल्डस्पार, फेल्डस्पेथोइड एंड क्वार्ट्ज, इनको छोड़ करके जो आपके जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे माइका ग्रुप का मिनरल है मस्कोवाइट के अंदर आपको आयरन एंड मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, इसके अलावा जैसे ओलिविन, पायरोक्जिन, एम्फीबॉल, बायोटाइट, ये सारे जो मिनरल हैं ये आपके कौन से होते हैं, मैफिक मिनरल्स हैं, और भी बहुत सारे हैं बट अपार्ट फ्रॉम दिस। अब जैसे जिनके अंदर आयरन और मैग्नीशियम नहीं है तो वो कौन से मिनरल हो जाएंगे आपके, फेल्सिक, ठीक है, जैसे फेल्डस्पार, फेल्डस्पेथोइड, क्वार्ट्ज की वेराइटीज जो है ये आपके क्या हैं, फेल्सिक मिनरल्स हैं, तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑल ऑफ दी अबाव, ठीक है। सो आज के कैप्सूल में आपके लिए इतना ही है, आई होप कि आपको कुछ नया मिला होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और आज गेट की आंसर की भी आई है, जेम की भी आ गई होगी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में। जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं अच्छी बात है, जिनके नहीं बन रहे हैं उदास होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से गेट हो जाएगा, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ आपका अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।